Hi, my name is Ashish और मैं अभी आर्टमिस हॉस्पिटल में अपना ACL रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए आया था. रिसेंटली मेरी सर्जरी हुई है एंड डॉक्टर मनु बोरा मेरे सर्जन थे और फर्स्ट डे से मैं अपना नी 90 डिग्री बैंड कर पा रहा हूँ और माइन्यूट पेन है. फर्स्ट डे से ही मैं फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेशन से में ही मैं चल पा रहा हूँ और फुल वेट बियरिंग भले ही बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ बट मैं चल पा रहा हूँ. दो साल पहले भी मेरा ACL डैमेज हुआ था, टॉर्न हुआ था. सो मैंने गुड़गांव से ही किसी और हॉस्पिटल से मैंने उसकी सर्जरी करवाई थी. उसमें इसमें अगर कंपेयर करूँ तो पिछले वाली इंजरी में मेरी बैंडिंग काफ़ी लेट आई थी, जैसे कि फर्स्ट डे पे यहाँ पर हमारी बैंडिंग फर्स्ट डे में आ गई है और वहाँ पर दो महीने बाद मेरी बैंडिंग आई थी. प्लस पेन था काफ़ी. अभी इस बार पेन बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल पेन है एंड ब्रेस भी बहुत दिनों बाद हटा था मेरा. आशीष मेरे पास कुछ दिनों पहले आया था. हमारे से मालूम पड़ा कि उसका ACL टूट चुका है और वो एक बाइक एक्सीडेंट के कारण उसके नी में ट्विस्ट आ गया था. कुछ चीज़ें काफ़ी फेवरेबल थी आशीष के केस में कि एक तो ये हमारे पास काफ़ी जल्दी आए, दूसरा अगर मैं हमारे की बात करूँ तो उनका ACL फीमोरल एंड से टूटा था. जब ये दो चीज़ें मुझे एक पेशेंट में मिलती है, जब वो जल्दी आता है और उसके ACL का टीयर फीमोरल एंड से होता है तो हम उसको रिपेयर कर पाते हैं. तो आशीष के अंदर हमने ACL रिकंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर एंड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग प्रोसीजर किया. इस प्रोसीजर के तीन चार बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगा. फर्स्ट बेनिफिट, क्योंकि हमने पुराना ACL बिल्कुल रिपेयर कर दिया है तो पुराने ACL में प्रोप्रियोसेप्शन नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि मेरे नी के कॉन्फिडेंस के लिए और उसको लंबे समय तक खराब नहीं हो इसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. तो जहां बाकी लोग जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो पुराना ACL हटा देते हैं, वहीं पे हमने ACL पुराना बिल्कुल भी नहीं हटाया है. हमने नया तो ACL बनाया है उसके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, साथ में पुराने ACL को भी रिपेयर किया है. तो इस वजह से इसके नी में कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगा और इसकी एक्टिविटी लेवल बहुत जल्दी चालू हो जाएगी. आज फर्स्ट डे, ऑल इनसाइड तरीके से इस ऑपरेशन होने के कारण पेशेंट को काफ़ी कम पेन महसूस हो रहा है, वो आराम से चल पा रहा है. अगले दिन से ही 90 डिग्री नी बेंडिंग है और हम उम्मीद करते हैं अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज करता रहेगा थ्री मंथ्स के अंदर ही विल बी रनिंग बैक एंड बैक टू जो भी गेम खेलना चाहेगा वो तीन महीने के अंदर खेल पाएगा. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा टीम आर्टेमिस को, डॉक्टर मनु बोरा को, जिन्होंने ये इतनी स्पीडी रिकवरी पॉसिबल की. और ये मेरा फर्स्ट डे ही है सर्जरी के बाद से कि मेरा चलना पॉसिबल हो पा रहा है और मी एंड माई फैमिली इज रियली हैप्पी. और हम हाईली रिकमेंड करेंगे डॉक्टर मनु बोरा आर्टेमिस हॉस्पिटल को स्पेशली ACL ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस में दिन रात का फ़र्क है. थैंक यू सो मच.